वेलकम टू सांतास किचन स्टोरीज। और आज मैं पहुंच गई हूँ पोखरा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस, प्लेस ऑफ नेपाल। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी जगह है देखने के लिए। फिलहाल हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक लेक है, ताल है, वो देखने के लिए जा रहे हैं। और मैं खास्ते ताल, यहाँ का नाम है खास्ते ताल, और बाकी का मैं आपको दिखाती चलूंगी। फिलहाल मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ही खूबसूरत जगह, बने रही है। और उस गांव में, वो पहाड़ के जो पहाड़ का जो गांव है, उसमें फेमस राइटर लेखनाथ पौड़ेल, नेपाल के फेमस राइटर लेखनाथ पौड़ेल जी का घर है, पुराना घर उस ऊपर के गांव में। और ये रहा खास्ते ताल, बहुत लंबा है ये, देखिए। और वहां पर एक मंदिर भी दिखाई पड़ रहा है। और ये लेक ऐसे होते हुए उधर से ऐसे मोड़ के वहां तक पहुंचा हुआ है। और यहाँ पर एक देवी का मंदिर है, खास्ते ताल बराई मंदिर, देखिए। ये हम ताल के किनारे किनारे ऐसे जा रहे हैं, खेवा ताल भी यहाँ है यहाँ पर, लेकिन ये है खास्ते ताल। खास्ते नेपाली वर्ड है। यहाँ पर छोटा सा पुल है, देखिए पुल, ये लेक। ये सारे जो बर्ड्स हैं, ये यहाँ पर आते हैं, ये सीजनल बर्ड्स हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आ गई हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पर बेगनास ताल में, बेगनास लेक। और ये लेक फेमस है यहाँ में पाए जाने वाले तेलापिया फिश के लिए। और ये है बेगनास लेक। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और इस लेक में बोटिंग भी की जाती है। ये है फिश ब्रीडिंग सेंटर, फिशरी है यहाँ पर पासी में, देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ पर लोकल फिश, तेलपिया फिश मिलता है इस झील में, देखिए। और ऐसे सेल भी करते हैं ये लोग, कैटफिश भी है। और है ये फिश पिकल, स्मॉल फिश पिकल।
87 years दादाजी यहाँ पर मठा बनाते हुए। और ये देखिए मक्खन। ये है मिलेट, मिलेट पाउडर है ये, और इससे एक फेमस नेपाली मेन कोर्स बनता है जिसे कहा जाता है ढिंडो। और ढिंडो को हम कोई भी सब्जी के साथ या दूध या दही के साथ भी खाया जाता है। यह है मिलेट। अभी हम ढिंडो बनाने वाले हैं, पकाने वाले हैं। उसके लिए ऐसे कुकर में हमने पानी बिठाया है, इसे इसमें थोड़ा सा उबाल आएगा तो हम ये ढिंडो इसमें पकाएंगे। अच्छा ये रेडी है अभी डालने के लिए। तो पानी उबले को देखने को लाइट हो रही हो। ये रेडी है डालने के लिए, थोड़ा ही इसमें हम लोगों ने डाल दिया है। अब क्या डालेंगे आप? घी डालने वाले हैं क्या? स्माइल के लिए थोड़ा घी डालना पड़ता है। थोड़े, अच्छा थोड़े मीन्स कम, थोड़ा सा। देखिए कितना प्योर घी है नेपाल का, और ये नेपाल का बहुत ही बेहतरीन और मुख्य आहार कहा जाता है। पहले के दिनों में इसे बनाया जाता था और खाया जाता था। एक प्रकार का लॉस्ट रेसिपी भी माना जाता है इसे। उमले बची अब इसमें और थोड़ा डालेंगे। अच्छा दे रहे नहीं। ये मिलेट पाउडर है, बहुत ही हेल्दी होता है ये। इसे कितनी देर पकाना पड़ता है, कैसे पता चलेगा ये पक गया है? हल्का अलिकति सार के भन्छ सार। अच्छा हार्ड हो जाएगा। हां हार्ड हुन्छ अनि त्यो गाढा हो जाएगा। बिस्तारै अझै राख्नु अझै राख्नु। जितना पानी आपने डाला है उसके अनुसार ये पाउडर डालना है, यानी कि अच्छा बराबर बराबर दीदे गौर ये लगभग होने वाला है ना। अब विस्तार धीरे धीरे होने वाला है। जति धेरै यस्तो चलायो त्यति राम्रो हो। अच्छा जितना इसे चलाया जाता है, ऐसे मैश किया जाता है, उतना ही इसे अच्छा माना जाता है। हाँ थोड़ा हार्ड तो है बनाने के लिए, क्योंकि बहुत देर तक इसे ऐसे चलाना पड़ता है। शायद इसीलिए अभी ये लॉस्ट रेसिपीज में गिना जाता है। इंडिया में इतना नहीं बनता है, इंडिया में भी नेपाली लोग हैं, गोरखा लोग हैं, लेकिन इतना ये नहीं बनता है। लेकिन नेपाल के जो नेपाली हैं यहाँ के, वो इसे बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए हमारी संस्कृति, हमारा खाना हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसे लॉस्ट रेसिपीज में लेकर नहीं जाना चाहिए।
अच्छा, इसे क्या अभी ढककर रखना है? हाँ, कितनी देर तक? थोड़ा टाइम ऐसे ढक्कन लगा के। अच्छा, अच्छा इसे क्या चावल के जैसे ही खाया जाता है सब्जियों के साथ? चावल जस्तो गरेर खान सकिन्छ। अरु साथमा के खान्छन् यसको? यसमा झोल सिधा। अच्छा, कोई भी सब्जी का रस्सा बना के इसे खा सकते हैं? नॉन वेज के साथ भी खा सकते हैं? नॉन वेज सब दोनों साथ, और दूध दही के साथ भी खा सकते हैं? दूध दही के साथ भी। देख के मालूम चल रहा है कितना हेल्दी होगा ये चीज। तभी तो पहले के दिनों में लोग बहुत हेल्दी हुआ करते थे, ऐसी चीजें वो खाते थे। ऐसे अगर नहीं गिरता तो पता चल जाता कि ये पक गया है ना? पका हुआ है अभी। अच्छा, ऐसा कंसिस्टेंसी इसका आना पड़ेगा, तभी मालूम चलेगा कि हीरो पक गया है। हम आज ऐसे इतनी सुंदर माहौल में ढीरो पका रहे हैं। देखिए बाहर का नजारा, पोखरा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ नेपाल। ये देखिए ढीरो। देखिए गाइस, मैं भी बना रही हूँ ढीरो। बाप रे, बहुत हार्ड होता है, इसीलिए शायद लोग आजकल इतना नहीं बनाते इसे। पकाना बहुत मुश्किल है, पक चुका है। और इतना सुंदर माहौल में हम आज ढीरो पका रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारा किनारा इसका छूट गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पानी में घी रखा था, तो ये अच्छे से स्मूथली साइड छोड़ चुका है, सारा किनारा छोड़ चुका है। ये देखिए ये ढीरो रेडी है, और इसके साथ ऐसे हरी सब्जी है, फिश है, बहुत कुछ बनाया गया है, और आज हम इसे एंजॉय करने वाले हैं। ये अभी ढीरो खाने वाले हैं। ये देखिए कैसे। और ऐसे हम फैमिली में सभी बैठ के आज ढीरो एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा ये वाला वीडियो। नया नया चीज, नई रेसिपी आज मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कुछ नया चीज मैं दिखाने की कोशिश करूंगी आप सभी को। तब तक के लिए बने रहिए सांतास किचन स्टोरीज के साथ।